देश में आए दिन बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले में जुड़े पड़ोसी प्रांत बिहार के 2 जिलों को पूरी तरह सील कर दिया गया है, जिसके कारण दूसरे जिले व बिहार प्रांत से कोई भी व्यक्ति जिले में प्रवेश नहीं हो रहा है। जिले के 17 थाना क्षेत्रों से जुड़े लगभग दर्जनों बॉर्डर को सील कर वहां 24 घंटे पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। एसपी ने जिले के लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें और न ही बॉर्डर के उस पार से किसी व्यक्ति को जनपद में प्रवेश करने दें। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को सभी बॉर्डर क्षेत्रों पर तैनात कर दिया गया है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस जैसे घातक बीमारी से बचा जा सके। जिस तरह से देश में कोरोना वायरस की भयंकरता बढ़ रही है और उसके मरीजों की संख्या में काफ़ी वृद्धि दृष्टिगत हो रही है, इस बात से सतर्कता का विशेष ध्यान रखने के लिए जनपद कुशीनगर के बॉर्डर को चारों तरफ से मजबूत करके सील किया गया है। और जनपद कुशीनगर के नागरिकों से मेरी अपील है कि न तो बाहर जाने के प्रयास करें और न ही बाहर से जनपद की सीमा के अंदर बाहर वालों को बुलाने का प्रयास करें। यदि कोई उनके गांव में, उनके मोहल्ले में कहीं दिखाई पड़ता है कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति, तो तत्काल उसकी सूचना देने का कष्ट करें। कंट्रोल रूम का नंबर सब जगह सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा चुका है। जनपद की सभी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए उपलब्ध संपूर्ण पुलिस बल का व्यवस्थापन कर लिया गया है। खासकर उत्तरी सीमा हमारी जो खड्डा थाना, नेबुआ नरंगिया और कप्तानगंज, जो महाराजगंज जनपद और नेपाल से लगती हुई सीमाएं हैं, इन सबको काफ़ी मजबूत करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल वहां डिप्लॉय किया गया है। आपका जनपद सुरक्षित है, आप सुरक्षित रहें, यही मेरी कामना है। इसमें आप पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, ये मेरी अपील है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।